दोस्तों एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आखिर क्यों ट्रेन ऑपरेटर पर लगाया गया 90,000 का जुर्माना। तो आइए यह पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ये घटना फ्रांस की राजधानी पेरिस की बताई जा रही है। अक्सर भारत में आवारा घूमने वाले पशुओं को गाड़ी के नीचे आ जाने से तमाम घटना देखने और सुनने को मिलता रहता है। खासतौर पर अगर ट्रेन की बात करें तो इसके नीचे इंसानों को भी मौत हो जाती है, और ऐसे में ट्रेन के ड्राइवर पर कोई केस नहीं बनता। हालांकि ऐसा सिर्फ यहीं पे होता है, लेकिन फ्रांस में एक ऐसी घटना घटी है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों अक्सर ट्रेन ड्राइवर सिग्नल क्लियर होने पर ट्रेन को अपनी मैक्सिमम स्पीड में लेकर चल रहे होते हैं, और इसी हाई स्पीड ट्रेन में एक यात्री अपने बिल्ली को लेकर जा रहे थे। वैसे तो बिल्ली उनकी बैग में थी और उस बिल्ली का नाम नेको था, लेकिन न जाने कब उनके बैग से निकलकर ट्रैक पर चली गई और उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। बिल्ली के मालिक का कहना था कि उन्होंने ट्रेन ऑपरेटर को यह बात पहुंचाई थी, लेकिन स्टाफ ने उस हाई स्पीड ट्रेन को रोकने से मना कर दिया। फिर उस बिल्ली के मालिक ने रेलवे के खिलाफ पशु अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था में शिकायत की और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गई। पेरिस कोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद उन्होंने 1,000 यूरो यानी 90,000 का जुर्माना लगाया। जज साहब ने इस घटना को कमिटमेंट की कमी और बिल्ली को बचाने की रिसोर्स में कमी की वजह बताई थी। क्या भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए ताकि जानवरों को सुरक्षित बचा सके? कमेंट में यस या नो लिखकर अपना राय जरूर बताना।